वालेकुम डियर फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब मैथ्स मान जूँ आज की वीडियो में हम देखेंगे डेटा हैंडलिंग और डेटा एनालिसिस पे जो कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मैथ्स पैडागोजी में सी टी टी दो हज़ार चौबीस के लिए हम जो तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हम देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है डेटा हैंडलिंग पे या डेटा एनालिसिस पे तो वो क्या है और उसके कुछ क्वेश्चन ले लेंगे तो डेटा हैंडलिंग क्या है कलेक्शन दट सेट ऑफ डेटा एंड प्रेजेंटिंग इन अ डिफरेंट वे तो डेटा हैंडलिंग क्या है कि आप क्या करो कि आपके पास कोई अगर टास्क दिया गया है तो आप डेटा कलेक्ट करो उससे रिलेटेड और उसके बाद प्रेजेंट करो डिफ़रेंट वे में आप अलग अलग तरह से उसको प्रेजेंट कर सकते हैं कि आपके पास डेटा आ जाता है आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेते हैं या गैदर कर लेते हैं इकट्ठा कर लेते हैं और उसके बाद अलग अलग वे में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं या अलग अलग तरह से उसको बता सकते हैं डेटा हैंडलिंग रेफर टू द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग अभी जो मैंने बोली कि आप कलेक्ट कर लो डेटा गैदरिंग यानी कि इकट्ठा करना रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड record कर लेना एंड प्रजेंटिंग इंफॉर्मेशन इन अ वे दैट इट हेल्प फॉर एनालाइजिंग मेकिंग प्रिडिक्शन तो वो डेटा जो आप जमा कर रहे हैं गैदर कर रहे हैं या डेटा आप रिकॉर्ड कर रहे हैं अब आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या प्रजेंट कर रहे हैं वो हेल्पफुल हो जाएंगे एनालिसिस करने के लिए या फिर कंक्लूजन uh, पे जाने के लिए या प्रिडिक्शन के लिए अंदाजा लगाने के लिए तो स्टेप्स क्या होती है एनालिसिस की तो डेटा एनालिसिस की स्टेप होती है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन यानी कि आपके सामने जो भी टास्क दिया गया है तो सबसे पहले आप वो प्रॉब्लम को क्या करो आइडेंटिफाई करो उसके बाद है डेटा कलेक्शन कि आप उससे रिलेटेड जो भी डेटा है उसको कलेक्ट करो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अब आप उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बता सकते हैं अलग अलग वे में डेटा एनालिसिस करेंगे आप फिर और लास्ट में कंक्लूजन पे जाएंगे कि आपको जो डेटा चाहिए आप उसमें से उसको ही लेंगे आप सॉर्ट आउट करेंगे जो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको और लास्ट में आप कंक्लूजन पर जाएंगे तो ये चार स्टेप्स होती है आइडेंटिफिकेशन कलेक्शन रिप्रेजेंटेशन एनालिसिस एंड लास्ट में कंक्लूजन अब हम देखते हैं कि इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अब ये प्रीवियस पेपर के ही क्वेश्चन है प्राइमरी क्लास मैथमेटिक टीचर पोजेज द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन हिज स्टूडेंट के प्राइमरी क्लास के लिए टीचर ने यह क्वेश्चन यूज किया है रीना एंड शमा वेंट टू अ शॉप टू बाय अ अग वो दोनों शॉप पर गए बैग लेने के लिए देर आर मैनी बैग्स विथ डिफरेंट प्राइस टैग अलग अलग प्राइस के टैग थे उन पर दे गॉट कन्फ्यूज बाय लुकिंग एट सो मैनी प्राइस टैग कैन यू हेल्प देम बाय अरेंजिंग द प्राइस टैग आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर अब ये क्वेश्चन है तो ये क्या कर रहे हैं अब देखिए यहाँ पे बैग दिया गया बैग ए है उसका प्राइस बैग बी का प्राइस बैग सी का प्राइस और बैग डी का प्राइस इन द गिवन कंटेक्स विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अब उन्होंने ये जो क्वेश्चन दिए हैं अलग अलग जो प्राइस है तो इसे आप क्या कंक्लूजन निकालेंगे या इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होंगे अब टीचर ने ऐसा क्वेश्चन क्यों लिए तो सबसे पहला है इसमें ऑप्शन ओनली only the concept of ascending and descending order can be strengthened using the question कि वो सिर्फ और सिर्फ ascending और descending only यानी कि सिर्फ negative word कि सिर्फ यही concept clear करा रहा है क्या teacher बच्चे के लिए नहीं the teacher कैन यूज़ द क्वेश्चन टू गो बियड कम्पेरिजन ऑफ नंबर्स एंड इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ डेटा हैंडलिंग एंड शॉर्टिंग ऑफ डेटा तो ये बिल्कुल राइट है कि ये वो क्वेश्चन है जहाँ पर टीचर कंपेरिजन के बियॉन्ड उस पार ले जा रहा है बच्चे को और डेटा हैंडलिंग और शॉर्टिंग ऑफ डेटा बता रहा है कि आप अलग अलग प्राइस टैक् के जो है वो बैग को अलग कर लो उसके उसके बाद फिर शॉर्ट आउट करो या असेंडिंग और डिसेंडिंग में फिर उनको अरेंज करो तो ये राइट आंसर हो गया हमारा और देखते हैं हम ऑप्शन इट इज़ नॉट अ मैथेमेटिकल क्वेश्चन अब ये तो यहीं कैंसिल हो गया कि मैथेमेटिकल क्वेश्चन नहीं है ये तो गलत बात हो गई द तो टीचर शुड अवॉइड ब्रिंगिंग कंटेक्चुअल क्वेश्चन इन टू द क्लास रूम तो टीचर ने कंटेक्चुअल क्वेश्चन नहीं लेना चाहिए अवॉइड करना चाहिए क्या तो ये बिल्कुल गलत बात है तो ये निगेटिव बात हो गई तो ऑप्शन कौन सा होगा सेकेंड राइट होगा द कंसेप्ट ऑफ डेटा हैंडलिंग इन अ क्लास रूम इनक्लूड्स अब जो डेटा हैंडलिंग है उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं पहला है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा ये तो होता है एनालिसिस ऑफ डेटा ये होता है उसके बाद है कलेक्टिंग ऑफ डेटा ये भी होता है स्टोरेज ऑफ डेटा ये नहीं होता तो अभी हमने देखिए स्टेप्स देखे थे डेटा हैंडलिंग और डेटा एनालिसिस के लिए कि आइडेंटिफिकेशन कलेक्शन रिप्रेजेंटेशन एनालिसिस एंड कंक्लूजन तो राइट आंसर देखिए हमारा ऑप्शन नंबर जिसमें ए बी और सी दोनों ही यहाँ पे राइट है तो हम देख लेंगे ऑप्शन हमारे तो यहाँ ऑप्शन के ऑप्शन दिए गए हैं ए बी एंड सी ये होंगे राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टीचर ब्रिंग्स इन टाइम टेबल ऑफ डिफरेंट क्लासेस रेलवे चार्ट ऑफ ट्रेन अराइवल एंड डिपार्चर सर्वे पब्लिश्ड इन न्यूज़ पेपर इन हर मैथेमेटिक्स क्लास द इंटेंशन ऑफ टीचर इज़ टू अब देखिए टीचर ना वो अलग अलग ट्रेन के आने के और जाने के वो उस पर अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच रहा है जब वो आना और पहुँचना उसके ना टाइम टेबल को लेकर आया है तो ये क्या करना चाहता है टीचर का इंटेंशन क्या है इसमें से तो इनमें से देखेंगे हम कि टीचर का इंटेंशन क्या है फर्स्ट है गिव द रियल लाइफ कंटेक्सट ऑफ डेटा हैंडलिंग टू चिल्ड्रन हाँ रियल लाइफ से रिलेटेड जो है कंटेक्सट है वो जो मॉड जो मजमून है जो कंटेक्सट है वो बच्चों को बता रहा है इससे ये तो राइट है हेल्प देम मेक टेबल फॉर टेबुलेटिंग द डेटा तो देखिए टेबुलेटिंग द डेटे का मतलब होता है टेबलेट ऑफ डेटा रेफर टू मैथड ऑफ प्रोसेसिंग डेटा इंफॉर्मेशन बाई ऑर्गेनाइजिंग इट इंटू आ टेबल तो देखिए यहाँ पे ये इसका टेबुलेशन का काम कर रहा है क्या टीचर नहीं ऑलरेडी वो चार्ट्स बने हुए हैं वो यहाँ पे टेबल के फॉर्म में डेटे को बनाने का काम कर रहा है क्या या ऑर्गेनाइज करना सिखा रहा है क्या नहीं ये तो ऑलरेडी वो बने हुए चार्ट ला रहा है ना टाइम टेबल तो बना हुआ ला रहा है तो ये टेबलेटिंग ऑफ डेटा इसका काम तो ये नहीं कर रहा है इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी वाला कंसेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा है टीच डैम हाउ टू मेक टाइम टेबल फॉर क्लासेस एंड रेलवे तो ये भी वो नहीं बता रहा है तो टीचर यहाँ पर क्या कर रहा है गिव द रियल लाइफ कंटेक्सट ऑफ डेटा हैंडलिंग टू चिल्ड्रन के उसने जो रियल लाइफ में हमारे जो कंटेक्सट है वो ले जो एग्ज़ाम्पल है वो डेटा हैंडलिंग का बच्चे को बता रहा है तो टेबुलेशन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन को गैदर कर लेते जहाँ आप इंफॉर्मेशन या डेटा कलेक्ट कर लेते और उसको जब टेबल के फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते या बनाते हैं तो उसे कहते हैं टेबुलेशन ऑफ डेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द करेक्ट सिक्वेंस टू बी फॉलो इन डेटा एनालिसिस अब आपके पास डेटा है डेटा एनालिसिस के लिए आप इनमें से कौन से सिक्वेंस को फॉलो करेंगे ऑर्गेनाइजिंग सॉर्टिंग कलेक्टिंग एंड रिप्रेजेंट सॉर्टिंग ऑर्गेनाइजिंग कलेक्टिंग एंड रिप्रेजेंटिंग कलेक्ट सबसे पहले तो डेटा क्या करेंगे हम कलेक्ट करेंगे सबसे पहली स्टेप तो आइडेंटिफिकेशन होती है जो इसमें नहीं पूछे तो हम सेकेंड स्टेप पे जाएंगे कलेक्ट करो उसके बाद क्या है उसमें से सॉर्ट आउट करो फिर उसके बाद ऑर्गेनाइज करो उसको अच्छे तरह से और उसको रिप्रेजेंट कर दो तो ये राइट right हो गया रिप्रेजेंटिंग सबसे लास्ट स्टेप है तो कैंसिल हो गई और ऊपर वाली है ऑर्गेनाइजिंग सॉर्टिंग कलेक्टिंग तो कलेक्शन पहले करना है आपको इसलिए ये रॉन्ग हो गया और सॉर्टिंग पहले अलग अलग निकालो फिर ऑर्गेनाइज करो फिर कलेक्ट करो तो कलेक्ट पहले करते हैं आप डेटा तो ये रॉन्ग हो गया तो देखो स्टेप्स क्या होती है आंसर नंबर थर्ड यहाँ पे राइट right है अब मैं आपको बता देती हूँ स्टेप्स ऊपर आंसर आपका राइट right होगा थर्ड वाला लेकिन स्टेप्स आप देख लीजिए यहाँ पे हमने क्या देखे कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना फिर डेटा कलेक्ट करना तो कलेक्टिंग उसके बाद रिप्रेजेंटिंग एनालाइजिंग एंड कंक्लूजिंग तो रिप्रेजेंट आप बाद में भी कर सकते हैं सबसे पहले कलेक्ट करो डेटा को उसके बाद उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करो अच्छे से एक अच्छे मैनर में उसको ऑर्गेनाइज करो या फिर उसको सॉर्ट आउट कर दो कि कौन सी चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट है वो पार्ट को ले लो अदर हटा दो फिर उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करो और रिप्रेजेंट कर दो उसको और लास्ट में कंक्लूजन पे चले जाओ तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट होगा नेक्स्ट है अ क्लास फिफ्थ प्राइमरी स्कूल टीचर गिव्स द फॉलोइंग टास्क टू हिज स्टूडेंट फ्रॉम यर नेबरहुड कलेक्ट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन क्लास थर्ड एंड फिफ्थ फ्राम द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड क्लासीफाइड नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल स्टडिंग इन क्लास थर्ड एंड फिफ्थ इनक्लूड एटलीस्ट टेन हाउस होल्ड इन यूर प्रोजेक्ट कि आप क्या करो uh, कि आपके ना कॉलोनी में आप देख लो और कितने लोग आ, आ, ऐसे बच्चे हैं जो थर्ड और फिफ्थ के हैं उनमें से भी गर्ल्स बॉयज़ वगैरह को अलग कर लो द अबो एक्टिविटी कैन बी बेस्ट यूज अब ये एक्टिविटी क्यों करा रहे तो जाहिर बात है यह डेटा कलेक्शन का काम बच्चे को करा रहे हैं एक ऑप्शन नीचे है फर्स्ट वाला ऑप्शन है यहाँ पे टू मेक स्टूडेंट सेंसिटिव टूवर्ड्स जेंडर डिफरेंस जेंडर डिफरेंस के ये लिए सेंसिटिव बनाना ये ऑप्शन नहीं हुआ ये कैंसिल हो गया टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ डेटा हैंडलिंग तो ये डेटा uh, हैंडलिंग का कंसेप्ट तो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं टू डेवलप वैल्यूज ऑफ कम्युनिटी सर्विस एंड इन स्कूल स्टूडेंट तो ये तो राइट आंसर right नहीं है और नेक्स्ट है टू अच्छे टीचर्स क्रिएटिविटी फॉर परपज ऑफ हिज प्रमोशन तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया इससे रिलेटेड ही नहीं है तो आंसर क्या होगा हमारा टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ डेटा हैंडलिंग के डेटा हैंडलिंग के आप डेटा पहले के इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करो फिर उसको अलग से सॉर्ट आउट करो अलग अलग वे में फिर ऑर्गनाइज करो फिर रिप्रेजेंट करो तो डेटा हैंडलिंग वाला ये टॉपिक है मैंने आपको टेबुलेशन ऑफ डेटा की मीनिंग बता दी हूँ अब ये जो था ये कोई किसी किसी पेपर में ना डेटा हैंडलिंग और एनालिसिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है असल इंस्टीट्यूट से सी टी टी टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर के लिए पेपर फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों ही के लिए मैथ साइंस एंड सोशल साइंस मेथड दोनों ही के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस के लिए आप कॉल कर सकते हैं थंबनेल पे कॉन्टैक्ट नंबर है आपके आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और क्लासेस ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों ही तरह से होंगी आप कॉल कर सकते हैं वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ अल्लाह हाफ़िज